नमस्कार दोस्तों, मेरे नॉलेज कट्टा इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत। हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले मेरे इस चैनल पे सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उस वीडियोस को जाके जरूर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं, हमारे कंसेप्ट का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी एक्सेप्शन मतलब क्या, सबसे पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड की मालूम होनी चाहिए कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, और इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। और ये हम इससे पहले हमारे इस चैनल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं जैसा बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल पे ये लॉ ऑफ डिमांड पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम इसी के बारे में एक्सेप्शन देखने वाले हैं, जहां पर हमारे ये जो लॉ है वो लॉ गलत साबित होता है, यानी कि हमें जो चीजें लॉ के अनुसार नहीं चलती उसके बारे में सोचना है या उसके बारे में आज एक्सप्लेनेशन देखना है। तो सबसे पहले इस एक्सेप्शन के नॉर्मली जनरली पार्ट्स होते हैं, लगभग 6 पॉइंट्स। ओके, इस 6 पॉइंट्स को याद रखना, सभी बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकली टेंशन आता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमारा पहला एक शॉर्टकट्स होगा, तो शॉर्टकट्स का नाम है जी हिप्स। हमारा शॉर्टकट का नाम क्या है? जी हिप्स। ओके, मतलब क्या जी हिप्स, ये आप याद रखो और आपको पूरे के पूरे एक्सेप्शंस यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड के आ जाएंगे, तो आप इसी के बारे में 4 मार्क्स इजीली अर्न कर सकते हो। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है गिफेन गुड्स। उसका नाम क्या है? गिफेन गुड्स। ओके, गिफेन गुड्स यानी कि किसी प्रकार की गुड्स नहीं होती, तो उनको उस गिफेन सर जी का नाम दिया गया है, तो उस गिफेन सर का नाम है सर रॉबर्ट गिफेन। ओके, रॉबर्ट गिफेन एक पर्सन ने कुछ चीजों के बारे में एक अच्छा सा रिसर्च किया था, तो उनके नाम से उस चीजों को जानना पड़ा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये देखना है कि गिफेन गुड्स सर रॉबर्ट गिफेन जी ने ये दिया था, और ये एक्ट हुआ था लो क्वालिटी गुड्स। कहां पर हुआ था? लो क्वालिटी गुड्स। ओके, जिस चीजों की क्वालिटी छोटी है, लो है, वहां पर गिफेन जी ने अपना एक्सप्लेनेशन या अपना रिसर्च लोगों के ऊपर बताया था, और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती नहीं, लोग अपने डिमांड उस भी वक्त कम ही करते हैं। क्यों? हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। गिफेन जी ने वहां पर ब्रेड का एग्जांपल लिया था। कहां एग्जांपल लिया था? ब्रेड का। सो इस ब्रेड के एग्जांपल से उन्होंने बताया था कि आपकी जब प्राइस कम होती है उसी वक्त आपकी डिमांड भी लोग कम करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अगर देखे जाए इस एक छोटे से ब्रेड के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले अगर एक प्राइस की कीमत ये 2 रुपया है, कितना है? 2 रुपया। ओके, तो उसके लिए वो पीपल एक ब्रेड खाते थे, लेकिन अचानक उस ब्रेड की प्राइस कम हो गई और 1 रुपया हो गई। अगर उसकी प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली लॉ के अनुसार लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ानी चाहिए, लेकिन सर डिफेंस क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसी चीजें जो लोगों के ऊपर छोटी छोटी चीजें हैं, जिसका लोग ज्यादा अच्छी तरीके से अपने बजट के अनुसार विचार करते हैं या फिर उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग यही है कि उन्होंने क्या सोचा कि हमें 2 रुपए से 1 रुपया अगर हो गई है तो हम 2 ब्रेड बिल्कुल ना लें, उससे अच्छा हमें सिर्फ एक ही ब्रेड की जरूरत है तो हम एक ही ब्रेड खाते हैं, और बचा हुआ 1 रुपया हम यहाँ पर सेव करते हैं। क्या करते हैं? सेव करते हैं, मतलब जब चीज की प्राइस कम हो रही है तो वो अपनी प्राइस या अपनी डिमांड है वो कांस्टेंट रख रहे हैं या फिर अपने डिमांड को डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें ये डाउन्स जा रही है। अगर ये दोनों चीजें डाउन्स जा रही है तो ऑटोमेटिकली अपना फर्स्ट पॉइंट ये एक्सेप्शन होगा, यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। और इसका जो डिमांड कर्व है, जनरली डिमांड कर्व किस तरीके से होता है? जनरली डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड्स होता है। जनरली डिमांड कर्व कैसा रहता है? डाउनवर्ड्स। लेकिन इस चीज में, गिफेन गुड्स की चीज में, उनका डिमांड कर्व ये डीडी है, और वो डीडी उन्होंने क्या बताया है? अपवर्ड जा रहे हैं। क्या जा रहा है? अपवर्ड। और ये अपवर्ड शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन। क्या शो कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशन।
बच्चों ये छोटी चीज है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले ये मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन एक्सेप्शन जहां पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता नहीं एप्लीकेबल होता नहीं। और सबसे पहले गिफन गुड्स उनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर जी का नाम है रॉबर्ट गिफन्स। ये अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने एक केस पूरे इंग्लैंड में बताई थी कि इस तरीके से अगर ब्रेड की कीमत कम हो रही है तो लोग उससे ज्यादा ब्रेड नहीं खा रहे, उतने ब्रेड खा रहे और बचा हुआ 1 रुपया अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं या फिर 1 रुपए की दूसरी चीजों को वहां पर परचेस कर रहे हैं। तो ये सारी सिंपल एक ऐसी चीज वहां पर हमारा जो नॉर्मली कैसा होता है इस तरीके से डाउनवर्ड्स होता है, लेकिन सिर्फ गिफन केस में वो किस तरीके से होगा अपवर्ड्स होगा। ओके सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी पॉइंट नंबर 2 हमारा जी हो गया, क्या हो गया जी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे एच। एच का फुल फॉर्म है हैबिचुअल गुड्स। एच का फुल फॉर्म क्या है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स मतलब जिसकी हैबिट्स रहती है, ओके जिसकी आदत रहती है। तो वहां पर आदत एक ऐसी चीज होती है वहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो जिस तरीके से डिमांड कम होनी चाहिए एज अ प्राइस डिक्रीजेस या फिर प्राइस इंक्रीज होने के बाद डिमांड भी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये चीज यहाँ पर होती नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को हैबिट्स रहती है। अगर लोगों को हैबिट्स रहती है तो ऐसी चीजों के बारे में आपने उस चीज को अगर लोगों को हैबिट्स है और वो चीज अगर 5 रुपए में है, अगर वो चीज 10 रुपए में भी बेचे जाए फिर भी उस चीज की डिमांड लोग क्या करेंगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को वो हैबिट्स है। कुछ हैबिट्स अच्छे रहते हैं, कुछ हैबिट्स बुरे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी एक ड्रंकर्स है, जो आदमी दारू पीता है उसके बोतल की कीमत 50 रुपया है, अगर वो बढ़ के 80 रुपया हो जाए तो मुझे ये बताओ वो आदमी दारू पीना छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं। जिसको उतनी पीनी है उतनी वो पिएगा या फिर उतनी ही वो अपने पेट के अंदर डालेगा। क्यों? क्योंकि उसको लॉ ऑफ डिमांड की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसको हैबिट्स है। क्या है? हैबिट्स। समझ में? तो हमारा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर गिफन गुड्स, पॉइंट नंबर 2 हैबिचुअल गुड्स। तो एच जी हो गया और एच हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा कंसेप्ट है इग्नोरेंस। हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या है? इग्नोरेंस। ओके अब ये इग्नोरेंस का मतलब क्या है? जिस लोगों को अनएजुकेटेड रहते या फिर जिन लोगों को यही पता नहीं होता कि चीजों की कीमत क्या है, वो उस चीजों को कम दाम में भी बहुत अच्छी तरीके से पैसे दे बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि एक चीज की कीमत क्या 50 रुपया है, ओके? लेकिन जिसको उस चीज की कीमत मालूम नहीं है, अगर वो 100 रुपीज में उसको बेचा जाए तो वो भी इजिली दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिटी एरियाज के लोग आते हैं गाँव के एरिया में और वहां पर उनको एक चीज अच्छी लगती है, गाँव वाले उनको बोलते हैं कि ये चीज आपको 100 रुपए में मिलेगी, आप इजीली वो 100 रुपए निकाल के देते हैं। एक्चुअली गाँव वालों को पता होता है कि वो चीज कितने की रहती है, 50 की रहती है, लेकिन वो चीज 50 की है ये इग्नोरेंस उस सिटी एरिया के पर्सन का है। यानी कि पॉइंट नंबर 3 क्या आ गया? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जिनके बारे में मालूम नहीं होता, वो आ गया एच आया गया। ओके उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है पी। पी का मतलब है प्रेस्टीज गुड्स। पी का मतलब क्या है? प्रेस्टीज गुड्स। अब ये प्रेस्टीज गुड्स ऐसी है जिसको बोलते हैं हाई स्टेटस। ओके हम बोलते हैं एक स्टेटस है। ओके इस स्टेटस में और एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम वहां पर एग्जांपल ले सकते हैं कार का। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? कार का। अगर मुझे ये बताओ कि 1 करोड़ की कार है, उसकी कीमत हो गई 2 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ उसकी कीमत हो गई, विराट कोहली को वो कार लेनी है, तो प्राइस इंक्रीज होने के साथ वो खुद की डिमांड कम करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेस्टीज गुड्स है। अगर कुछ अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स है जिसकी कीमत 47,000 पर 10 ग्राम से 48,000 हो गई, लोग खरीदी करना बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है उनको अगर गोल्ड लेना है तो वो लेना है, उसकी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए फिर भी लोग उसकी डिमांड कम नहीं करते, लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। मतलब पॉइंट नंबर 4 भी क्या है? एक ऐसा एक्सेप्शन है जो लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद ये 5वां पॉइंट है हमारा अनदर पी। और एक पी जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं प्राइस इल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस इल्यूशन। ये एक मेंटल एबिलिटी वाला स्ट्रेंथ है। मतलब लोगों को क्या लगता है कि हाई अमाउंट जिस चीजों की कीमत ज्यादा होती है ना,
वो चीजें बहुत अच्छी होती है, ये लोगों के बारे में एक इल्यूशन होता है। एक मेंटली लोग ऐसा बोलते हैं कि जो चीज, चलो हम आपको मैंने एग्जांपल लिया स्पार्क से सैंडल, या 5,500 के स्पार्क्स के सैंडल है तो वो 1,000 पे आपको मिलेंगे। ओके, तो 1,000 के भी मिलते हैं, 500 मिलते हैं, आपको क्या लगता है 1,000 के बहुत अच्छे होंगे? मैं ऐसा नहीं बोलता कि अच्छे नहीं है, अच्छे होते हैं, लेकिन हर बार वैसा नहीं होता। कभी कभी आप सिर्फ क्या बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी है इसलिए हम हाई अमाउंट देंगे। आपको अच्छी क्वालिटी कम दाम में भी मिल सकती है, या फिर अच्छी अमाउंट देने के बाद भी आपको कभी भी अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल भी नहीं सकते। तो ये इग्नोरेंस या ये इल्यूशन आपके दिमाग से निकाल दो कि वो चीज जो अच्छे अमाउंट पे है बहुत ज्यादा कीमती है तो अच्छी होगी। एक लोगों के दिमाग में एक बैठे हुए एक इल्यूशन है या फिर साइकोलॉजी है कि अच्छी क्वालिटी अच्छे अमाउंट, तो उसकी वजह से उस चीजों की प्राइस अगर 1,000 है और वो हो गए 2,000, फिर भी लोग उसकी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। ओके, सो ये हो गया पॉइंट नंबर 5, प्राइस इल्यूशन। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है नंबर 6। ओके, वो नंबर 6 है एस। ओके, 2 P हो गए, जी हो गए, एच हो गया, आई हो गया, तो हिप्स में से लास्ट पॉइंट है वो है एस। एस मतलब स्पेक्यूलेशन। एस का मतलब क्या है? स्पेक्यूलेशन। अभी स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? स्पेक्यूलेशन मतलब चीजों को ढूंढना, या फिर स्पेक्यूलेशन मतलब चीजों को स्पेक्यूलेट करना, चेक करना किस तरीके से एक चीज को फ्यूचर में एक्सपेक्ट करने के बाद वो शायद बढ़ सकती है या कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर क्या स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, स्पेशली जब दिवाली का टाइम आता है। कब आता है? दिवाली का टाइम। ओके, दिवाली के टाइम के ठीक 1 महीना पहले ऑयल के जो दाम है ना वो बढ़ते हैं। ऑयल के दाम क्या होते हैं? बढ़ते हैं, उसकी जो प्राइसेस है वो हाई होती है, फिर भी लोग 1 महीने पहले उस रुपीज हाई हो गए, फिर भी उसको लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड। क्यों? क्योंकि उनका पता है कि 1 महीने पहले अगर ऑयल की प्राइस अगर बढ़ गई है तो ड्यूरिंग द दिवाली या दिवाली के 2 दिन पहले उसकी प्राइस और ज्यादा हाई हो सकती है। हुई नहीं है, सिर्फ स्पेक्यूलेट, सिर्फ ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, लेकिन फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। लेकिन यहां पर क्या है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है फिर भी उसकी लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये छठा पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीजों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना और फ्यूचर के बारे में सोचने से अभी इस प्रेजेंट में ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना। एक्चुअली उसकी प्राइस बढ़ रही है, 100 रुपए का तेल 110 हो गया, फिर भी लोग वो कम नहीं ले रहे, उस वक्त वो ज्यादा ले रहे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली लोगों का ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल के भाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो हमारे ये 6 पॉइंट्स हो गए, एक था जी, उसके बाद था एच, उसके बाद था आई, उसके बाद था पी, फिर पी, फिर एस। ओके, सो हम शॉर्टकट क्या पूरे ध्यान में रखने वाले हैं, जी हिप्स। ओके, पी का स्क्वायर मतलब पी 2 बार, जी का मतलब है गिफन गुड्स। गिफन ये था इंग्लैंड में सर रॉबर्ट गिफन, इस इकोनॉमिस्ट ने एक केस बताई थी और वहां पर उन्होंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था और बोला था कि जब प्राइस कम होती है लोग डिमांड कम नहीं करते, लोग उतने डिमांड करते हैं, बचे हुए जो पैसे है वो खुद के लिए सेव करते हैं या फिर और एक चीज को खरीद करते हैं या फिर परचेसिंग करते हैं। उसके बाद था हैबिचुअल गुड्स, हैबिट्स कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, फिर भी हैबिट्स एक ऐसी चीज होती है। हमने शराब पीने वाले का एक एग्जाम्पल दिया, चाहे तो एग्जाम्पल अच्छा नहीं होगा लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि वो 50 की बोतल है वो 80 की हो गई, फिर भी वो दारू पीना नहीं छोड़ सकता। पॉइंट नंबर 3 वहां पर उन्होंने बोला है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब आपको वो मालूम नहीं है कि वो 50 में है तो आप उसको 100 इजीली दे सकते हो, आपको पता ही नहीं है वो चीज 50 में तो आप इजीली उसको बोल सकते हो चलो ये लो 100 रुपया। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस। नंबर 4 है प्रेस्टीज गुड स्टेटस। ओके, 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की कार उसकी कीमत 10 लाख से बढ़ गई, उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 ग्राम जो अपना गोल्ड रहता है उसका 1,000 भाव बढ़ गया, फिर भी लोग लेना कम नहीं करते, प्राइस इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, इट्स द एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन। नंबर 5 प्राइस इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब लोग सिर्फ दिमाग में लगते हैं। ओके, तो हाई क्वालिटी हाई अमाउंट हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है या फिर 50% 90% केसेस में होता है लेकिन 100% केसेस में नहीं होता। कभी कभी बहुत महंगी चीज भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो ये प्राइस इल्यूशन है। उस इल्यूशन की वजह से प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ाते हैं, एक्चुअली डिमांड कम करिए, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेस, बट पीपल डिमांड इंक्रीजेस एट ऑल्सो प्राइस इंक्रीजेस, तो इट इज द एक्सेप्शन। एंड लास्ट पॉइंट इज द स्पेक्यूलेशन। लास्ट पॉइंट इज द स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करना और प्रेजेंट में अपनी खुद की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली
भी बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिवाली में ऑयल का एग्जाम्पल दिया हमने, और ऑयल का एग्जाम्पल लेते लेते इजिली हम क्या बोलने लगे कि एक महीने पहले ऑयल की कीमत बढ़ गई है, फिर भी लोग उसकी क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। प्राइस इंक्रीजेस फिर भी डिमांड इंक्रीज, क्यों? क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, दिवाली के दो दिन पहले उस ऑयल की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन का पार्ट है। तो हमें छह पार्ट्स देखे और ये छह के छह पार्ट्स है एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो इसी तरीके से हमारे ये छह पॉइंट्स एक छोटी सी जी हिप्स वाले ट्रिक से आपको याद रखने हैं, आपके सभी एग्जाम में या आपको लर्न करने के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव वाइज आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसी बहुत अलग अलग वीडियोस देखने के लिए, इकोनॉमिक्स का छोटा छोटा नॉलेज जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज करता है सब्सक्राइब करना मत भूले, अपनी प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट भी देखे, और बाकी सभी को मेरा चैनल शेयर करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।